अब हम आगे हैं अंतर्दृष्टि, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है उस शॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभिषेक। तो अभिषेक से हम जानेंगे कि उनके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं। अभिषेक बताइए। मैम, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हर्बल सोप्स हैं, उसके अलावा कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स, डिफरेंट डिफरेंट सोयाबीन के ऑयल से बनी हुई। इनकी स्पेशलिटी ये है कि किसी भी तरह की हार्मफुल फिलर से नहीं बनी, ये सोयाबीन के ऑयल से बनी है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रेगनेंस करती हैं और एक अच्छा एरोमा क्रिएट करती हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट्स और अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स, इनकी स्पेशलिटी इन प्रोडक्ट्स की है कि सब के सब ब्लाइंड लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जितना ये भी सारे प्रोडक्ट्स ब्लाइंड लोगों के द्वारा बनाया गया, और हम एज अ वॉलंटियर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके हेल्प के लिए। और जो आपने बताया कि लॉन्ग टर्म जलती है, मतलब वो कितनी देर तक जलती है जो कैंडल है? जैसे कि कैंडल है, ये सिंगल जार जलता है 10 to 11 hours, सिंगल जार। और इसके अलावा ज़्यादा देर तक जलने वाली कैंडल्स भी और हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। मेड बाय ब्लाइंड पीपल। इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, उनके बाद ये खुद वो उन्हें प्रिपेयर करते हैं। एज यू कैन सी इन देयर, इसके अंदर ये दिखाया गया फोटोग्राफ्स के अंदर, ये खुद अपने हाथों से बनाते हैं। इवन नॉट ओनली कैंडल्स, इवन दे मेक कुकीज, बिस्किट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ। सो दिस इनिशिएटिव अंतर्दृष्टि इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बाय श्री आशुतोष जी महाराज। इसके द्वारा इनको मतलब रोजगार मिलता है, क्योंकि ये अर्निंग तो हम एक तरह से चैरिटी तो करते हैं, बट दे आर अर्निंग विद डिग्निटी। द थिंग इज दैट ये अब ये नहीं कि आप चैरिटी कर रहे हैं और सिर्फ दे रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं और घर भी कुछ लेके जा रहे हैं। सो अंतर्दृष्टि इज ऑल अबाउट दिस। थैंक्स अभिषेक, दैट वर्क यू आर डूइंग फॉर अ वेरी गुड कॉज। एंड जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत डिग्निटी से जो है हमारे ब्लाइंड पर्सन जो है, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो बहुत डिग्निटी से कमा रही भी है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन द चैरिटी, दे आर अर्निंग नाउ। जैसे कि हम देख सकते हैं, यह है बायोस्कोप जो कि पहले जमाने में चलता था। आजकल की यंग जनरेशन है जो शायद इससे परिचित नहीं है, बहुत उससे देख रही है कि ये क्या चीज़ है। ये पहले एंटरटेनमेंट का एक तरह का साधन भी माना जाता था इसे। और इस जो बच्चा है, इसने ये फेमस गाना लगा रखा है, ये बहुत फेमस गाना है शायद इनके इस फोटो फ्रेम का। और बायोस्कोप आजकल बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करना चाहिए, बेटा इधर आओ एक मिनट। आजकल बच्चे नहीं जानते हैं तो दूर दूर भाग रहे हैं। आपने कभी देखा इसे पहले? जी, बहुत देखा है बचपन में बायोस्कोप। जी, कुछ याद है कि क्या देखा था आपने? नहीं, मतलब टिपिकल, शायद हमारे टाइम पे तो स्टोरी चलती रहती थी, भैया खड़े होकर सुनाते रहते थे, और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री पिक्चर्स चलती रहती थी, गांव का सीन, और कोई कोई आ रहा है, कोई कोई जा रहा है। नहीं तो सबसे जो फेमस रहता था वो होता था इंडिया के दर्शन, मतलब एक ताजमहल की फोटो आ गई, लाल किले की फोटो आ गई, और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि देखो ताजमहल, देखो ये, चलो। सबसे ज़्यादा जो देखा है वो यही देखा है। आजकल हम बात करेंगे वाहिद जी से, जो कि हमें बता रहे हैं कि उनके पास ये जो कारपेट दिखाया जा रहा है वो 6.5 लाख रुपए का है। तो वाहिद जी, सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा क्या है इसमें, इसकी खासियत क्या है कि जो 6.5 लाख रुपए का है? मैडम, आप इसको जरा बैक साइड भी दिखे और पीछे भी देख लीजिए, इसको बैक साइड और फ्रंट साइड जब इस है। अब इसको मैं उल्टा करके आपको दिखा दूँ, इसकी जो नॉट एज है भाई 14x14, ये 14x14 हुआ 1600 नॉट्स पर इंच में, अगर आप एक स्क्वायर है 1600 नॉट्स पर इंच में। इसको 5 साल लगते हैं बनाने में, दो लड़के इसको बनाने में 5 साल लगते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा आती है। जैसे 14x14, इसलिए कम से आप 2-3 साल तक जो भी बंदा बनाएगा उसको उसका खर्चा, उसका लेबल, बाकी 100% सिलिक है, इसकी वेफ्ट एंड वाफ्ट दोनों सिलिक है। यहाँ पे 99 अल्लाह के नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हैंगिंग है शायद मेरे ख्याल से, इसमें 99 खुदा के नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। जानमाज भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। सर वाहिद जी, ये देखिए जानमाज भी है, और काफ़ी अच्छा सारा हैंडवर्क, पूरा की पूरा हाथ का काम। और ये हमदान है, हमदान मतलब कि 4 मौसम को इन्होंने लेके ये कारपेट बनाया है। मौसम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने बयां की है 4 मौसम की।
ऑर्डर आया था हमारे पास जी, जिसके फिर हमने एक दो ज़्यादा पीस बनाए, क्योंकि जब हम इसको कोई भी ऑर्डर आता है हमारे पास तो फिर उसका मटेरियल हमें अलग से बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी जैसे कि सिलिक इसका लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, ये हमें एक दो किलो से ज़्यादा पहले बना, क्योंकि मैक्सिमम हमें 5 किलो इसको डाई करना पड़ता है। उसके बाद हमने 2-3 पीस बनाए ऑर्डर है तो एक पीस हमारे पास रह गया। काफ़ी खूबसूरत सोच है, इस तरह की सोच ये रखते हैं, जबकि आज देखा जाए तो आतंकवाद यही भी लोग भी झेल रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे खूबसूरत शब्दों के साथ इन्होंने एंड किया है कि मजहब से इन्हें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते, कहीं भी सजदा कर सकते, खुदा तो सब जगह मौजूद है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुभाषिश के साथ परवीन अर्शी।